अस्सलाम वालेकुम पॉपुलर्स, यार क्या हाल है? आप लोग ठीक ठाक है ना? तो यार नई वाली सिविक देखने का किसको शौक नहीं है। तो यार आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नई वाली जो सिविक आई है उसकी एक्सक्लूसिव लुक। तो आइए देखते हैं। तो यार ये है नई नवेली होंडा सिविक 11 जनरेशन और ये उस गाड़ी का टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है RS टर्बो। तो आइए गाड़ी को जरा देखते हैं और चेक करते हैं कि कैसी है। तो फ्रंट प्रोफाइल तो आपने गाड़ी की देख ही ली है, एक दफ़ा गाड़ी को पूरा घूम के देखते हैं कि गाड़ी देखने में कैसी है। इसमें आप देख सकते हैं 17 इंच के अलॉय व्हील्स हैं जो कि ब्लैक मैट फिनिश के साथ हैं। बैक पैक देख सकते हैं कि RS टर्बो की बैजिंग है। उसके साथ साथ बैक लाइट्स देख सकते हैं। गाड़ी की बूट स्पेस चेक कर लेते हैं कैसी है बूट स्पेस। और इसके अंदर एक स्पेयर व्हील है जो कि अलॉय है और साथ में किट है। गाड़ी की साइड प्रोफाइल। और अब यार बातें नहीं करते ज़्यादा, डायरेक्ट गाड़ी के अंदर चलते हैं और गाड़ी को अंदर से जाके देखते हैं कि कैसी है। गाड़ी के अंदर जो एंट्री है वो ज़रा शशके वाली है। आप ये देख सकते हैं मेरे पास कार्ड है। अगर आपके पास ये कार्ड हो तो आप डायरेक्टली गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं। स्मार्ट एंट्री है इसके अंदर। और अब गाड़ी को ज़रा अंदर से देखते हैं कि अंदर से कैसी है। तो ये है गाड़ी की इंटीरियर लुक। स्टॉप करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। तो न्यू होंडा सिविक स्टार्ट हो गई हुई है। ये इसका MID डिस्प्ले है और ये मल्टीमीडिया स्क्रीन है। गाड़ी के अंदर जो इस दफ़ा AC के वेंट्स हैं वो बहुत ही स्टाइलिश हैं। उसके जो कंट्रोल्स हैं नीचे बेसिकली उसके कंट्रोल हैं फैंस के। और आप ओवरऑल गाड़ी को देख सकते हैं। गाड़ी के अंदर कैमरे वगैरह लगे हुए हैं क्योंकि इसका फर्स्ट लुक रिव्यू शूट हो रहा है, तो उसके लिए आपने स्टे ट्यून्ड रहना है। यहाँ से आप ड्राइविंग मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। गाड़ी के अंदर CVT ट्रांसमिशन है, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, सनरूफ है और स्टेयरिंग में आप देख सकते हैं उसके पीछे पैडल शिफ्टर्स हैं, क्रूज कंट्रोल है और वॉल्यूम का कंट्रोल है। तो यार गाड़ी के दिल के बारे में तो जानना जरूरी है ना, मतलब कि गाड़ी का इंजन। तो इसके इंजन के बारे में बताता हूँ। तो यार इसके अंदर आता है 1.5 टर्बो जो कि प्रोड्यूस करता है 170। तो यार इस खूबसूरत सिविक को 3 वेरिएंट्स के अंदर लॉन्च किया गया है। जो पहला वेरिएंट है वो सिंपल होंडा सिविक है, दूसरा जो है वो सिविक ओरियल है और जो थर्ड है वो RS है। और इनके प्राइसेस मैं आपको लाइन बाय लाइन बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला वेरिएंट है बेसिक, उसकी प्राइस है 5099। उसके बाद जो सेकंड वेरिएंट है जो कि ओरियल है उसकी प्राइस है 5399। और ये जो मेरे सामने खड़ा हुआ है RS की बैजिंग वाला, जिसके अंदर ब्लैक, बाहर से पूरी गाड़ी को ब्लैक फिनिश दी गई है। इसके साइड मिरर्स के अंदर, इसके शार्क फिन एंटीना के अंदर, इसके रिम्स के अंदर, हर जगह पे ब्लैक का यूज़ किया गया है। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है और इसकी प्राइस है 6149। तो अगर आपने पूरी वीडियो देखनी है तो यार उसके लिए आपने स्टे ट्यून्ड रहना है। आज रात इसका फर्स्ट लुक रिव्यू आएगा। तो रेडी है ना भाई, छोड़ना नहीं है सिविक को।